वहीं देवरिया जिले के बघोच घाट थाना क्षेत्र की पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 25,000 रुपए का इनामी शातिर अपराधी गोवर्धन को पुलिस ने धर दबोचा, जो पिछले एक साल से फरार चल रहा था। बताया जा रहा था कि हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में आरोपी वांछित था। इस संबंध में SP देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया, 2020 में हत्या कर आरोपी फरार था, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसे आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हत्या वर्ष 2020 में कारित हुई थी। इसका मुख्य अभियुक्त जो बहुत ही सात किस्म का है, पुलिस के काफ़ी प्रयास के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। अतः पुलिस द्वारा, जिला पुलिस द्वारा उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनामिया बदमाश गोवर्धन थाना बघौच घाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। चलिए मेरठ का रुख करेंगे, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष के दौरान चली गोली से एक युवक की मौत की खबर है। गोली चलने से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर घायल युवक को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि आरोपी मौके से फरार है। पूरा मामला थाना खरखौदा क्षेत्र के गाँव हाजीपुर का बताया जा रहा। ये आज राशिद नाम का व्यक्ति था, उसके पड़ोसी कल्लू से उसका विवाद हो गया। सुबह पहले बच्चों का विवाद था, उसी में विवाद 2 घंटे बाद बड़ों के बीच में हो गया। इसमें राशिद की मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। एक परिवारजन ने तहरीर ने दी, मुकदमा दर्ज करके तुरंत अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये देखने से चाकू का घाव लग रहा है, लेकिन लोग बता रहे हैं फायरिंग भी हुई है, तो बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो CM रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा। घाव लगाया काफ़ी गहरा है, कलर बोन के पास।